हेलो गाइस, स्वागत है आपका टी टू आर के एपिसोड नंबर 1 में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बॉलीवुड की बहुत ही जबरदस्त अपडेट दूंगा। इस वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आप लोगों को वीडियो में दी गई नॉलेज सही लगे तो इस वीडियो को लास्ट में एक लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि आप लोग जिस तरीके का कॉन्टेंट देख रहे हैं, इस तरीके के करीबन लाखों करोड़ों चैनल है जो फिल्मों के बारे में बताते हैं या उन पर रिएक्ट करते हैं या उनकी अपडेट देते हैं, तो आप लोग उन सभी चैनल को छोड़कर मेरा चैनल देख रहे हैं। तो मेरे भाई, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को सही अपडेट दूं ताकि आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि आज की दुनिया में टाइम किसी के पास भी नहीं है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देखकर अपना टाइम दे रहे हैं तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही जो सही और एकदम सटीक अपडेट है फिल्मी दुनिया के, वो हमेशा आप लोगों को देता रहूंगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी न्यूज के साथ। रामायण फिल्म कन्फर्म हो चुकी है। इस फिल्म के अंदर रणबीर कपूर भगवान श्री राम के रोल में नजर आएंगे और साउथ के एक्टर साई पल्लवी माता सीता का रोल करेंगे। बस वो आदि पुरुष वाला सीन ना हो पाए। केजीएफ फिल्म के सुपर स्टार यश इस फिल्म के अंदर रावण के रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म हमें 3 पार्ट में देखने को मिलेगी। इस फिल्म के पहले पार्ट में यश का कैमियो हमें कुछ ही सेकंड तक देखने को मिलेगा। मतलब सीधी बात, विक्रम वाला सीन होगा। जिस तरीके से सूर्य को लास्ट में दिखाया गया था, ठीक उसी तरीके से रामायण फिल्म के अंदर यश को लास्ट में दिखाया जाएगा। इस फिल्म की शूटिंग का काम साल 2024 में स्टार्ट हो जाएगा और ये फिल्म हमें साल 2024 के लास्ट तक देखने को मिल भी जाएगी। अब बात करते हैं इस एपिसोड की बात नंबर 2 की। 19 अक्टूबर को लोकेश खनकराजन यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म लियो रिलीज हो रही है और इसी फिल्म के ठीक एक दिन बाद यानी कि 20 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत को रिलीज किया जा रहा है। कलापति विजय अन्ना के फैंस और टाइगर श्रॉफ के फैंस आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। गणपत फिल्म टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है अब तक की। तो उधर लियो फिल्म को लोकेश खनकराजन यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है और कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। वैसे मेरे हिसाब से लियो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने वाली है। अब इस एपिसोड के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अपडेट, डंकी वर्सेस सलार, ये दोनों फिल्में आपस में भिड़ने वाली हैं। इन दोनों फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। शाहरुख खान और प्रभास अन्ना के फैंस आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान के फैंस का कहना है कि डंकी फिल्म सलार फिल्म को कड़ी टक्कर देगी, तो वहीं डार्लिंग प्रभास अन्ना की कई सारी फिल्में फ्लॉप होने के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली सलार फिल्म को लेकर आ रहे हैं। इसी बात पर प्रभास के फैंस का ये भी कहना है कि ये फिल्म केजीएफ यूनिवर्स की फिल्म है और ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी अब की बार। मेरे हिसाब से ये फिल्म सुपर डुपर हिट होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि इसके टीजर के अंदर बहुत ही गजब की एक्शन सीन हमें देखने को मिले थे। सिंपल इंग्लिश नो कंफ्यूजन इस डायलॉग के साथ इस टीजर की शुरुआत हुई थी और उसके बाद डार्लिंग प्रभास अन्ना के फैंस का ये कहना था कि ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन बहुत ही आसानी से पार कर ले जाएगी। अगर सलार फिल्म 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर ले जाती है तो ये तो बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो जाएगी। लेकिन इसका मुकाबला शाहरुख खान की फिल्म डंकी से होने वाला है, जिनकी ऑलरेडी 2 फिल्में 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन पार कर चुकी हैं। तो ये मुकाबला काफी टक्कर का होने वाला है। इसका डिसीजन ऑडियंस खुद ही करेगी कौन सी फिल्म वो पहले देखेगी। वैसे मैं तो सबसे पहले सलार फिल्म को देखने जाऊंगा, क्योंकि सिंपल इंग्लिश नो कंफ्यूजन। तुम लोग कौन सी फिल्म सबसे पहले थिएटर में देखने जाओगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेल के जाना। फिर मिलते हैं आपसे एक नई ताबड़तोड़ वाली सस्ती मध्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।